weber as a political sociologist weber was initially trained to be a teacher of jurisprudence but later on the development uh, he developed his interest in investigation of religious doctrines economic life and urban settlement law and politics so you uh, mix weber ki jo learning hai, वो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है और शायद यही वजह है कि जब हम फेबर को एनालाइज करना चाहते हैं एज पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट तो उसमें उनका स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा अलहदा नज़र आता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज लर्निंग हिज ओन स्किल्स सो ही एक्टिवली ट इंट्रस्ट इन सोशल डॉक्ट्राइंस एंड एक्टिव पॉलिटिक्स मेड अ प्रोमिनंट फिगर इन इन्फ़्लुंसिंग द थेरीज़ ऑफ़ पोलिटिकल सोशियोलॉजी अब चूँकि ख़ुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट और फिर उसके बाद उनके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिस थे इस वजह से जो भी मैक्स वेबर की जो थेरीज़ हैं जो फ़िलासफीज़ हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन कॉन्टेक्सट ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि वो पर्सनल ओपिनियन पर्सनल अनैलिसिस और पर्सनल एक्सपीरियंसिस की बेस पर भी है Moreover, his scheme of social stratification and impacts of different social groups and status classes on politics and authority seems relatable to his contribution to the field of political sociology. Weber's study of, civil, uh, Weber's study of uh, different uh, developments of society and civilizations.

उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इकनॉमिक रिसोर्स की डिवीज़न जो है वो किसी भी माशरे में क्लास सिस्टम को क्रिएट करती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी माशरे में लोगों के पास रिसोर्स हों तो उन रिसोर्स की जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो स्टेटस ग्रुप जो है वो क्रिएट नहीं होता यानी सोशल सिस्टम में क्लास सिस्टम तो इकनॉमिक रिसोर्स पर बन जाता है लेकिन स्टेटस ग्रुप का भी डिटर्मेंट होगा अगर ऐसा ग्रुप जिसके पास ऐसे सिंबल्स हों जो रिफ्लेक्ट हो रहे हों उनकी लिविंग से उनके लाइफस्टाइल से या उनकी स्पेशलाइजेशन से यानी अगर किसी माशरे के अंदर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं वो प्रोफेशनल्स हैं डॉक्टर्स हैं लॉयर्स हैं प्रोफेसर्स हैं यानी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है तो ये बेसिकली एक स्टेटस की बेस बनते हैं क्योंकि हर किसी का जो प्रोफेशन होगा वो उसकी लिविंग से उसके लाइफस्टाइल से रिफ्लेक्ट होगा तो मिक्स वेबर सिर्फ पैसे की बुनियाद पर क्लास सिस्टम को डिफाइन नहीं करता बल्कि वो उसके साथ साथ फैशनलिज्म स्किल ओरिएंटेड और स्टेटस सिंबल्स की बेस पर स्टेटस ग्रुप्स को भी डिफाइन करता है सो so, वेबर uh, के बकौल जो मॉडर्न इंडिविजुअल है उसके पास क्या चीज़ बेसिकली रिक्वायर्ड है जो मॉडर्न इंडिविजुअल है मॉडर्न टाइम पीरियड में जो जिसने फिट होना है इन द मॉडर्न सेटअप उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी उसके पास आज के दौर का जदीद नॉलेज जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है अगर वो उससे रिटैच होगा तो उसकी जगह नहीं बनेगी यानी हर माशरे में वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस के साथ खुद को रिलेट करना चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो चाहे वो इंफॉर्मेशन के फील्ड में हो उन सब के साथ खुद को वेल इक्विप्ड रखना एक्चुअली वो नीड ऑफ द टाइम भी है और वही मुशरे जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और वही मुशरे जो हैं उनका स्टेटस दुनिया में कायम रहता है जो इन सब ज़रूरियात के साथ खुद को रिलेट कर करने की एफ़र्ट में लगे रहते हैं लेकिन इसके साथ साथ वेबर के यहाँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो मॉडर्न सोसाइटी की जो बेसिक डिमांड्स हैं बेसिक सोसाइटी की जो नीड्स हैं मिक्स वेबर उनके बारे में बहुत ज़्यादा व्यूज़ को क्लियरली शो करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी आ, आ, राइटिंग्स के अंदर भी क्योंकि उनका ये ख्याल है कि माशरे की जो बका होती है वो इसी बेस पर है कि लोग जो हैं वो आगे की तरफ प्रोसीड करें और उसके साथ साथ के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रोबोट्स की तरह से एक्ट करने की बजाय वो अपनी क्रिएटिविटी को अपनी लर्निंग पर उनका इम्फोसिस हो